कितनी हुई है इसमें? वोट जैसे 143 में 72% हुए और 142 में 70% वोटिंग हुई। बैठवा ठीक है, ये तो टाइम लगता है और 10 मिनट तो बजे कुछ वहाँ से मशीन प्रॉब्लम है। आपने देखा? मैं तो देखे, मैं तो मेरा 5 मिनट उभर रहा पर बाजे पास रुको रुको बाजे को नहीं, बस पास बाजे बस गया। ये हमें लेडीज में प्रॉब्लम आती है, क्यों मशीन हम सही नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। वो बेल्ट वाला चाहे हाँ वो आराम से बराबर किए और गिनती मालूम अच्छा पड़े। आपने वोट किया होगा, किन मुद्दे पे वोट किया है? देश हित राशि। अच्छा, शहरी लोग है कि मोदी जी के, शहर के लोग कांग्रेस वाले के, किसानों के लोग नहीं चाहते मोदी जी, किसानों के विपक्ष की पार्टी, इसलिए मैं नहीं जानना चाहता आपने किसको वोट किया, इसलिए कह रहे हो या फिर नहीं? देखो मैं तो मोदी जी को वोट है, मोदी इज हमारा परिवार। लोकतंत्र प्रणाली कैसी पार्टी? लोकतंत्र प्रणाली बहुत बढ़िया है, मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश हित के लिए कर रहे हैं। मैं नाम ही नहीं जानना चाहता लेकिन प्रणाली कैसी, वोट करने वाली प्रणाली सही है कैसे? प्रणाली वैसे कुल मिला के ठीक है, मगर कहीं वो जो पॉइंट दबता है तो उसमें थोड़ी देर 2-5 सेकंड के। राजतंत्र और लोकतंत्र शानदार दोनों, बढ़िया कौन सी प्रणाली है? एक एक प्रयास कर रहा था इस बार मेरे साथ गुरुजी, लोकतंत्र प्रणाली और एक राजतंत्र शानदार कौन सी? लोकतंत्र प्रणाली शानदार है क्योंकि इसमें जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए प्रतिनिधि चुना जाता है, जनता अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। प्रणाली लोकतंत्र, लोकतंत्र इज ऑल द बेस्ट। और वोटर प्रणाली कैसी है? वोटर प्रणाली ईवीएम ऑल द बेस्ट है, इसमें निष्पक्ष प्रणाली है, ये इसमें कोई धांधली वगैरह की संभावना नहीं होती है। जो बैलेट पेपर वाली थी उसमें क्या है कि बूथ कैप्चिंग हो जाता था, वजह से इसमें कोई संभावना नहीं होती, इसलिए ऑल द बेस्ट है, बहुत पारदर्शी प्रणाली है ये, ईवीएम इज ऑल द बेस्ट। शुक्रिया आपका। कैसा रहा वोट? कैसा रहा वोट? परसेंट बढ़िया रहा। बूथ पे कैसी वोट का टक? लोग किस मुद्दे पे वोट कर रहे थे? वोट मुद्दे लोगों का कहीं को नहीं है, पार्टी का, पार्टी का कोई है लोगों तो दिमाग में, पार्टी का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं जानता, लेकिन लोग किस मुद्दे पे वोट, किस काम? हमारे हम कोई मुद्दे को मानते थे यार, समझो नहीं नहीं आपने वोट दिया होगा, जैसे हमारे पौनी लाए या रोड बनाए, गाड़ी पौनी रो राष्ट्रहित के लिए है, राष्ट्रहित पर हित का मतलब कि राष्ट्र मतलब मोदी ने वोट डालना तो प्रधानमंत्री बनाना होगा, लेकिन वो बनाने का लिए विलीस है, बनेगा नहीं बनेगा ऐसे अशोक जी गलत करें। मैं पार्टी पोलिटिकल नहीं पूछना कि मैं ये 156 सीटों का आए नहीं, ये प्रकृति 4 तारीख को पता चले, मैं इस विधि से हटके, लेकिन आपने वोट किया जैसे सड़क बनाएंगे, किसानों के लिए पानी लाएंगे, ये अलग अलग मुद्दे आपने किस मुद्दे? देखो हमारे गाँव में सुविधा तो घनी है, कोई कमी है, पानी घनी है, हमें बताइए हेमराम जी टकाटक बना दी, कोई तकलीफ है? पानी घनी है, बिजली घनी है, ठीक है, नालियों थोड़ी डबक है, शुक्र सही से बोला है, नालियां तो वो बना तो रखी सरकार, वो तो जनता की बनाने वाले। नमस्कार, मैं भगवान राम धोरी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, वीडियो को पूरा देखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें, और आप देख रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के ये धोरीमीना ब्लॉक, जहाँ से 145 नंबर बूथ पड़ता है गुड़ामालन विधानसभा का, और अलग अलग लोगों से मैं इन मुद्दों पर लेकर चर्चा करूँगा कि अब की बार लोगों ने किन किन मुद्दों पर वोट दिए और लोगों की क्या इच्छा रही, अलग अलग लोगों से ये मैं जानने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि किसको जीताना किसको हराना, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि कौन जीतेगा किन मुद्दों पर, लेकिन सब चीज़ों को छोड़ के 4 जून को ये पता लगेगा कौन जीतेगा। मेरा ये कोई विषय नहीं है, व्यक्ति की अलग अलग राय हो सकती है कि मैंने उसको वोट दिया, ये अलग चीज़ है कि कौन जीता, लेकिन ये उद्देश्य है कि अब की बार किसके पक्ष में वोट पड़ा है, ये कोई उद्देश्य नहीं है। इस मुद्दे पे वोट किया? मैं तो दियो लौट हारे हुए माते। नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा किन मुद्दे पे, मुद्दा अटे पानी की समस्या घनी, कोई कौम विकास हुआ नहीं, ये रूटे के वोट। अच्छा, अगर आपको पूछोगे बूथ पे स्थिति वोटों की कैसी थी? वोट रही भाटी रही बढ़िया, ये नहीं पूछ प्रणाली कैसी, पोलिंग बढ़िया रही, 72% रही। ग्रामीण है या जो जनता है, तो मैं अलग अलग लोगों से केवल यहाँ वोट करने का मुद्दा ही जानूंगा, केवल पार्टी का कोई नाम नहीं है, किनको वोट किया कोई जानना नहीं चाहूंगा। अनिल जी है मेरे साथ, तो धोरीमीना के सरपंच के प्रत्याशी रहे। अनिल जी कैसा लगा माहौल, कैसा लगा माहौल? बढ़िया था। वोटिंग नरेंद्र मोदी जी के नाम पे लोगों ने वोट किया। वोटिंग की क्या स्थिति थी? वोटिंग की स्थिति गर्मी के कारण थोड़ी जरूर कम हुई है, माउसी देखने को मिली। हाँ थोड़ी सी लोगों में क्या गर्मी का मौसम है ना, और विवाह शादियाँ वगैरह है, उस हिसाब से थोड़ा, फिर भी बाड़मेर जिले के अंदर जो है वोटिंग परसेंट बढ़िया रही, शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण। कितना परसेंट वोट? लगभग बता रहे हैं 70 के आसपास। आपके हिसाब से वोटिंग कैसी स्थिति कैसी रही? बहुत ही अच्छी रही, शानदार रही। ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार से ये धूप का मौसम और गर्मी थी, इस उमस की गर्मी में भी लोगों ने मतदान में बहुत ही बढ़िया अपना योगदान और प्रदान किया। वोटिंग प्रणाली पहले एक पेपर वेट्स कागज पत्र होती थी, आजकल मशीन आ गई, बढ़िया कौन सी है?
वैसे तो मतपत्र वो भी ठीक था, उससे भी लोग अपने आप में मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करते थे, फिर भी ये इलेक्ट्रॉनिक मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करके। अगर मैं पूछना चाहूँ इस बार मुद्दे किन मुद्दों में लोगों ने वोट दिया? मुद्दों की बात करें तो राष्ट्र हित की बात करें या जैसे राम मंदिर हो या लोगों की धार्मिक स्थलों के प्रति एक जो आज सनातन के प्रति लोगों में आस्था जगी है उसको लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। आओ मेरे पास, शुक्रिया आपका। आओ नड़ाओ नजर। सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ ईसरा राम जी गोदरा जी है। ईसरा राम जी, किन मुद्दों पे लोगों ने वोट किया? पार्टी का नाम नहीं लेना है, मुद्दों पे किन लोगों ने? तो मतलब विकास के नाम पे वोट किया है। अगर एक नाम पूछना चाहूँ तो अगर किसको? मतलब शिक्षा है, बाकी रोजगार है। अच्छा, रोजगार पे लोगों ने बेरोजगारी के विपक्ष वोट किया, महंगाई है। फिर भी अगर विशेष कर पूछना चाहो तो? विशेष तो जो बाकी मेन तो बेरोजगारी और इस महंगाई को पकड़ा लोगों ने। सोने जी, आपके हिसाब से लोगों ने वोट किसके साथ, किस मुद्दे पे वोट किया? हाँ, किन मुद्दे पे ज़्यादा वोट किए लोगों ने? रविंद्र पार्टी। अलग अलग लोगों से या जनता से? मैं ये केवल मैं नहीं जानना चाहता किन को आपने वोट दिया, लेकिन मेरा केवल ये उद्देश्य है कि किन मुद्दों पर आपने वोट किया। मेरे साथ दलित जी हैं जो काफ़ी अच्छे नेता भी है, और मैं ललित जी ये जानना चाहूँगी इस बार लोगों ने किन मुद्दे पर वोट दिया है? राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर दिया है, मोदी जी को लाने के लिए दिया है। और अच्छी वोटिंग? कैसी वोटिंग स्थिति कैसी थी? अच्छी वोटिंग स्थिति। पहले एक कागज़ पे वोट होता था, आजकल मशीन आ गया। शानदार, बढ़िया। कौन सा प्रणाली है ये? मशीन वाला शानदार है। इसका रिजल्ट 12-1 बजे तक पूरे इंडिया का आ जाता है, भारत पूरे का रिजल्ट। एक लोग, आप राष्ट्रवाद या भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते, इसे हमारा कोई मकसद नहीं। लोग ये भी कांग्रेस वाले ये भी कहते हैं कि मशीन है ये थोड़ी गड़बड़ करती है। वो तो कहने वाले तो कहेंगे, हैंग कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। बूथ पड़ता है, वहाँ से कई लोग यहाँ वोट दे के युवा आए हैं, और मैं इनसे ये नहीं जानना चाहता कि आपने किसको वोट दिया या क्यों दिया। मैं यही जानूंगा कि किस मुद्दे पे दिया आपने, किस आवश्यकता इन मुद्दे में वोट दिया। ठाकरे राम जी, ठाकरे राम जी आपने वोट दे दियो? दे दिए साहब। कितना साल वोट दे दिया आपने? वोट दो लगभग 20 साल। भी वोट पहला मशीनों नहीं होती, कागज़ होता, आजकल मशीनों है। सही चीज़ की मशीन वाली और पहल के वाली? पहल के वाली ठीक है। मशीन की डर लगे? मशीन हमारे खोटी घना करे, मशीन खोटी घना करे। अरे आज 3 घंटा खोटी की था। अच्छा, लाइन लगे थे? लाइन लंबी, खूब लंबी। थे किन चीज री कमी ही इन वजह से वोट की? तो कौन कमी कह नहीं, लाइन खोटी घना किया 2-3 घंटा। अच्छा, अपने कोई कमी नहीं है, फिर भी अपन बाड़मेर वाले सबसे रेगिस्तान का कोई समस्या अपने है ही नहीं, इन वजह कोई दिक्कत थोड़ी अपने? दिक्कत की कर, कोई समस्या थोड़ी, कोई चीज री पानी री वगैरह की समस्या थोड़ी? कोई सब जावड़ पानी घड़ी मो तरी घना लेना लगे भी तरी घना पानी री कोई आनी रे उड़कट पानी तो वास कमी दी है पानी। आपने वोट दियो साहब? मैं वोट दियो। किस मुद्दे पे वोट दिया? हमें इस मुद्दे पे वोट दिया है साहब, हमारे थोड़ी गलीर में सड़कारी थोड़ी कमी है। इनो आज 2 महीना पहला सड़का फोड़ दी, भी सरकारी कमी है, बिन सरकार वजह वोट। बूथ पड़ता है जहाँ से कई बूथ युवा है जो बूथ से अपना वोट करके आ रहे हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि आपने किन मुद्दे पे वोट किया, किस मुद्दे पे इस बार वोट? हमने तो शिक्षा और विकास के मुद्दे पे वोट किया है जी। और वोटिंग भी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा करवाई है, और ज़्यादा तो विकास के मुद्दे पे ही किया है। कैसी वोटिंग स्थिति कैसी थी यहाँ पे? वोटिंग स्थिति अच्छी थी। आपने कितनी बार वोट डाल दिए बनवान से? मतलब वोट विधानसभा, लोकसभा, सरपंच? लगभग 5वां वोट है मेरा। आपने वोट किया किस मुद्दे पे वोट किया? मैंने भी शिक्षा पर किया था, और पहली बार किया है वोट। अच्छा, आपने पहली बार वोट, इसलिए हमारी तरफ से आपको दर्शकों सबकी तरफ से शुभकामनाएं, लेकिन वोट करके कैसा लगा? बढ़िया लगा। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहाँ पे वोट करते जनता अपना राजा चुनते, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आपने वोट किया किन मुद्दे पे वोट किया? हमने वोट किया इस बार शिक्षा के, सफाई के, बढ़ते भारत के। अगर मैं पूछूं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा कमी किस बात की? तो कमी तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी मुद्दे हैं, पर मेन कमी देखी जाए तो हमारे विधानसभा की, उसमें एक मेन मुद्दा है सफाई का, ये मेन मुद्दा है और इसकी तरफ थोड़ा गौर करना चाहिए। वोटिंग क्या सारा वोटिंग? वोटिंग परसेंटेज इस बार पहले से थोड़ा बेहतर रहा है। अगर क्या अंदर को VVM वगैरह स्थिति कैसी? नहीं, स्थिति अच्छी थी। अब समापन हो गया? अब समापन हो चुका है। मैं इन मुद्दों का नहीं जानना चाहूँगा कि आपने किस को वोट किया या क्यों किया, पर मैं इस मुद्दे को जानना चाहूँगा आपने किन मुद्दे पर वोट किया। सोन जी, इस बार किस मुद्दे पर आपने वोट किया? इस बार हमने मुद्दा पानी का,
और यहाँ की मूलभूत सुविधा को ध्यान में रखते हुए वोट किया। लोग यहाँ कह रहे हैं हमारे सारी सुविधा है, कोई कमी नहीं, कोई सुविधा नहीं है साहब। पिछले 10 सालों से जो सरकारें आई, जो यहाँ से सांसद चुन के गए, उन्होंने कभी इस तरफ देखा ही नहीं, बैठ के जाके यहाँ ही नहीं। तो इस बार लोगों में उत्साह था कि शायद कोई इस बार आया है जो कुछ करेगा। अब देखो साहब स्थिति कैसे रही, बूथ पे स्थिति कैसे रही? अच्छी स्थिति साहब, शांतिपूर्ण मतदान हुआ और लोगों ने जो ठान रखा है वो जरूर होगा। पोलिंग एजेंट भी थे और यहाँ पे अंदर पूरी वोटिंग स्थिति देख रहे थे। संदना राम जी राजनीति के बड़े एक्सपर्ट है इस क्षेत्र में, और हमेशा यह मेरा मानना है, ये ऐसे मेरे मन में हो सकता है या आपके लोग अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जिस तरफ ऐसा है कि संदना राम जी रहते हैं उस तरफ सरकार बनती है, अब की बार किस तरफ थे मुझे नहीं पता। मैं ये भी नहीं जानना चाहूँगा कि आपने किसको वोट दिया, आप किस तरफ थे, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने किन मुद्दे पे वोट देते हुए लोगों को देखा, कैसा रहा वोटिंग स्थिति, कैसी रही वोटिंग स्थिति? ऐसी रही, बहुत बढ़िया रही, अच्छी। लोग किस तरह वोट कर रहे थे, किस मुद्दे को लेकर वोट कर रहे थे, नाम नहीं बताना है? नहीं नहीं, लोग मुद्दे तो ऐसे थे, कुछ नहीं था, यूँ लोगों की भावना थी उस हिसाब से वोटिंग कर रहे थे। अच्छे हो रही थी, शांतिपूर्ण वोटिंग हुआ। दोरिंगा में आज दिन तक रिकॉर्ड रहा है, इसी तरह से आज भी अच्छा वोटिंग किया। सभी वोटरों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कितनी वोट कितनी हुई है, वोट जैसे 143 में 72% हुए और 142 में 70% वोटिंग हुई, बहुत शानदार। टोटल वोटिंग पूछो तो मैं कितने थे वोटर, टोटल वोटर टोटल टोटल जैसे 142 में तो 945 वोटिंग थे, जिसमें 694 वोट पड़े, और जिसमें वो क्या कहते हैं ये EDC के 32 वोट थे, और अच्छी वोटिंग हुई और सही एकदम शांतिपूर्ण हुआ, कोई आवला नहीं हुआ और इसी तरह से वोटिंग हुई शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण हुई, कोई तरह का कोई नहीं, कोई देखने को मिला, कोई तरह का पक्षपात नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्ण हुए, एकदम शांतिपूर्ण से वोटिंग हुई, उसमें कोई ऐसा नहीं, दबाव वगैरह थोड़ी ना, कोई किसी को दबाव नहीं था, किसी का दबाव नहीं, पानी व्यवस्था थी, हाँ शाही पानी व्यवस्था अच्छी तरह से थी, तो उसमें कोई मतलब नहीं था। तो आपने तो कई सालों से वोट दी, मैं एक बात पूछ रहा था, सबको पूछ रहा था, पहले पेपर कागज पे वोट होते थे, आजकल मशीन होते, शानदार पद्धति कौन सी है? एक मिनट, शानदार तो पद्धति जैसे वोटिंग तो दोनों ही ऐसी है, नहीं नहीं वो ठीक था, ये ठीक है, इसमें थोड़ा समय कम लगता है लेकिन है दोनों ही सही है। वोटिंग तो जैसे दुनिया का भारत एकमात्र देश है लोकतांत्रिक देश जहाँ वोट होता है, ये ठीक है या फिर राजतंत्र सही होता है? देखो लोकतंत्र तो सब कुछ, राजतंत्र में तो क्या है, लेकिन अच्छा कौन सा रहता है? जैसे लोकतंत्र तो होना चाहिए देश में, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, लोकतंत्र वोटिंग प्रणाली सही है, नहीं वोट अच्छा वोटिंग होना चाहिए। आप सभी दर्शकों को यार वोटरों को कुछ कहना चाहता नहीं, वोटरों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो शांतिपूर्ण से वोटिंग किया, ऐसी कड़ाके की धूप में भी आकर वोटिंग किया और अच्छी तरह से एकदम, कोई किसी का दबाव नहीं किया, और दूसरे नंबर कोई किसी के मतलब आवला नहीं हुआ, कोई किसी के तातों नहीं हुआ, एकदम शांतिपूर्ण से वोट हुआ, धोरिमना की साख बसाई। इन वोटरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरी हृदय की गहराइयों से, जो इन धूप कड़ाके की धूप में वोटिंग की और शांतिपूर्ण से वोटिंग किया, जिनका आपका मत था विचार था उसी को वोट किया, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया।